morning, students. Today in maths class we are going to do our next topic, shapes. And under shapes we will learn how to draw square and rectangle. So let's continue with the first shape, that is, which one is, read it. I will not tell you. Draw and color square. तो स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए आपने अपने नोटबुक के किस पेज के ऊपर कहीं पे भी एक डॉट लगाना है, लाइक दिस. मैंने थोड़ा सा ब्रॉड लगाया है, लेकिन आपने इतना मोटा नहीं लगाना. आपने डॉट लगाना है ताकि आपको नजर आए. मैंने आपको दिखाना था इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड लगाया है. नाउ जहां पे आपने डॉट लगाया है उससे नेक्स्ट राइट साइड पे आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं. थ्री बॉक्सेस, 1, 2, 3. और थ्री बॉक्सेस का जो एंड पॉइंट है, देखो वहां पे एक पॉइंट लगा देना है, लाइक दिस. थ्री बॉक्सेस के एंड पे पॉइंट आ गया. अब जहां पे डॉट लगाया है उससे नीचे आपने थ्री बॉक्सेस काउंट करने हैं, लाइक दिस, 1, 2 और 3. जहां पे थ्री का एंड हुआ फिर एक डॉट, और फिर उसके लेफ्ट साइड पे फिर 1, 2 और 3, लाइक दिस. उसके बाद आपने इसकी साइड्स ड्रॉ करनी है. सबसे पहले ऊपर वाली साइड, यहाँ जो साइड ड्रॉ करनी है स्केल और पेंसिल की हेल्प से करनी है. यहाँ पे आपने स्केल को सेट किया इन दो पॉइंट्स के ऊपर और पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी, लाइक दिस. नाउ इन दो पॉइंट्स के ऊपर स्केल को रखो और सेकेंड लाइन ड्रॉ कर दो, और फिर नीचे वाली साइड पे स्केल रखो, थर्ड साइड ड्रॉ कर दो, और फिर ये जो लास्ट वाली साइड बची है उसके ऊपर स्केल रखो और फोर्थ साइड ड्रॉ कर दो. हमने कितनी साइड्स ड्रॉ की, 1, 2, 3, 4. इट मींस स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4. और ईच एंड एवरी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल. यहाँ पे हमने देखो इस साइड भी थ्री बॉक्सेस हैं, इस साइड भी थ्री बॉक्सेस हैं, इस साइड भी थ्री, इस साइड भी थ्री. इट मींस ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं वो भी इक्वल होंगी ना. तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. और उसके बाद जब हमने, हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया ड्रॉ करने का, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, कलर. यहाँ पे लिखा हुआ है ना कलर, ड्रॉ एंड कलर. नाउ फिल द कलर, फिल योर फेवरेट कलर हियर. मेरा फेवरेट कलर पिंक था, सो मैंने यहाँ पे पिंक कलर फिल कर दिया. इज इट राइट? आई होप इट इज इंटरेस्टिंग वर्क फॉर यू. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट शेप इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए भी सेम प्रोसीजर है. आपने सबसे पहले एक पॉइंट ड्रॉ किया, और फिर उसके बाद स्क्वायर में आपने कितने पॉइंट्स के बाद डॉट लगाया था, थ्री के बाद, लेकिन यहाँ पे हम फाइव के बाद लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, लाइक दिस. अब इसके नीचे वाली साइड थ्री ले सकते हो, 1, 2, 3, थ्री बॉक्सेस काउंट किए फिर डॉट लगा दिया, फिर इसके लेफ्ट साइड फाइव बॉक्सेस काउंट करो और फोर्थ वन लगा दो. देखो ये डॉट सारे एक दूसरे के सामने आ गए. अब हम इनको स्केल और पेंसिल की हेल्प से फिर से ज्वाइन करेंगे. सो फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे स्केल रख के आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ की, फिर सेकंड साइड इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्केल रख के फिर ड्रॉ की, थर्ड साइड लाइक दिस, एंड फोर्थ दिस. तो दोनों में कॉमन चीज क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, कि इन दोनों की, स्क्वायर की भी और रेक्टेंगल की भी, चारों साइड्स चार साइड्स होती हैं, होती है ना. और डिफरेंस क्या है इन दोनों में, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती. इसकी ओपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. देखो यहाँ पे ये फाइव बॉक्सेस वाली लाइन है, फाइव बॉक्सेस, नीचे भी फाइव बॉक्सेस में लाइन लगाई है, तो इन दोनों की लेंथ सेम लग रही है ना. और ये वाली दोनों साइड्स, ये थ्री बॉक्सेस में लगी है, यहाँ पे भी थ्री बॉक्सेस की ड्रॉ की है, तो ये इसकी, ये वाली दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड
रेक्टेंगल। स्क्वायर को जिस मर्जी साइड से देखो आपको इक्वल लगेगी, लेकिन रेक्टेंगल की आपको इक्वल नहीं लगेगी, इसकी ओपोजिट साइड्स इक्वल लगेगी। अब आपने इसका नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है। कलर आपका फिल करते हुए बाहर नहीं आना चाहिए, एम आई राइट? नाउ आप घर पे एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हो। आप अपने घर पे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप की जितनी भी चीजें हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उनको देख सकते हो कि आपके घर में कौन कौन सी चीज है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसी दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।